नमस्कार, मैं हूं मदासी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। क्या सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है? क्या सचिन पायलट का साथ उनको मिलेगा या हाथ धो लेंगे? मोदी जी अब उन पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? इन तमाम सवालों का जवाब तो हम सर देंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ अशोक गहलोत को जरा सा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनकी मंशा क्या है और आने वाले वक्त में उनकी मंशा होगी क्या। देखिए जरा सा क्या कुछ कह रहा है। आपके बांसवाड़े की इकोनॉमी मजबूत हो गई, पहले जो है चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आपका शिल्प कार्य के लोग हों, चाहे जनरल कार्य के लोग भी क्यों नहीं हों, पैसे वाले ज़्यादा नहीं थे वो मानवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। नरेगा आया है तब से पैसा आपको मिलता मजदूरी के रूप में, पक्के काम होते तो मेटल कंपोनेंट के रूप में, वही पैसा वापस आप खर्च करते हो दुकानों पर, दुकानदार पैसा इकट्ठा करके वापस चीज़ें खरीदता है। इस प्रकार पूरे आर्थिक इकोनॉमी गतिविधि है आपकी आदिवासी क्षेत्र की, ये आपके नरेगा की देन है। आज काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला ये जिले बनते जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, हमारी बहनें बेटियाँ बैठी हुई है और मैंने इन सबको बनाया है, जन आधार कार्ड का मुखिया बनाया महिलाओं को, और महिलाएं जाके कार्ड ले रही है कैंपों के अंदर, 25 लाख बीमे का भी है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं हम लोग जो उज्ज्वला योजना में है, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आप लोग बैठे अधिकांश लोगों के बिल जीरो आएगा, अब आपके बिजली का बिल आएगा ही नहीं, जीरो बिल आएगा। किसान लोग हैं 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फायदा मिलेगा। किट मिलेगा खाने के लिए सामान, तेल भी है, दालें भी हैं, शक्कर भी है। गायों के लिए बीमा कर दिया है, अगर कोई लंपी में गाय मर गई है आपके क्षेत्र में तो 16 तारीख को आप देखिएगा, आपको नाम रजिस्टर्ड हो गए होंगे यहाँ पर, 16 तारीख को जयपुर में बटन दबाऊंगा और आप सबके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे, एक एक खाते के अंदर पहुँच जाएंगे। जिनकी गाय मर गई है उनको सिर्फ मिलेगा 40,000 एक गाय के लिए, और आगे के लिए 2 गायों का मैंने बीमा कर दिया है, गाय या भैंस कोई हो, 40,000 का बीमा है। वो जो कार्ड मिल रहे हैं आपको वो 40,000 के बीमे हैं। कोई गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, उसको जो है बीमा कंपनी से हम 40,000 रुपये दिलवा देंगे, उसको प्रीमियम हम भर रहे हैं उसका, सरकार भरेगी प्रीमियम। और बीमा 2 गायों का हो गया आपका आगे के लिए भी। इस प्रकार से हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, शानदार योजनाएं लागू हो रही है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि महिलाओं को स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलेंगे आने वाले वर्ष के अंदर, ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपको। जमाना बदल गया है, फोन का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं आज महिलाएं काम देती है। तो मेरा मतलब है कि सरकार ने एक के बाद एक इतनी योजना बनाई है, उसका लाभ आप देखिएगा। देखा आपने अशोक गहलोत को, वो राजस्थान को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो कहीं से भी चूक नहीं करना चाहते कहीं से भी। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ तूतू मैमे की खबरें आती हैं, जिस तरीके से वो हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में वो कांग्रेस के लिए वो मुसीबत बनते नजर आएंगे। अब देखना पड़ेगा कि ये आखिर गहलोत साहब सचिन पायलट से जीतेंगे या विपक्ष से जीतेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से हाईकमान चुप है, मतलब सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और खड़गे जी, ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं चुभ रहा है। और केसी वेणुगोपाल को भी लेकर खूब चर्चाएं होती नजर आ रही थी। ऐसे में देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में सीएम अशोक गहलोत साहब इन मसलों पर क्या कुछ फैसला लेते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।